अब इनकी हालत हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में कि आज की तारीख में जो दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे सबसे अमीर देश था, आज कैसी हालत है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नारू में, जो कि है दुनिया की सबसे ज्यादा कम विजिट करे जाने वाली कंट्री, वर्ल्ड्स लीस्ट विजिटेड कंट्री। यहाँ पे सिर्फ आते हैं भाई साल के लगभग 200 से 300 लोग जो कि विजिट करते हैं नारू। आने के लिए लगभग नेशनैलिटीज़ को सबको वीज़ा चाहिए, सबके लिए इन्होंने वीज़ा फीस रख रखी है। शायद 10-15 नेशनैलिटी ऐसी हैं बस जिनको वीज़ा नहीं चाहिए, और अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो इनके एम्बेसी में या फिर डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिस पे आपको मेल करना पड़ता है कि भाई हमको वीज़ा चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, फिर ये आपको वीज़ा दें ना दें इनकी मर्जी होती है। तो वीज़ा की बात नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे भाई नारू। मेरे साथ है परमवीर, और हमको कल एक दोस्त भी मिल गया था टॉमी, वो है चाइना से, जो कि 173 कंट्री उसने कर रखी हैं। तो आज हम घूमेंगे पूरे नारू का, हम चक्कर लगाएंगे, हमने गाड़ी रेंट कर रखी है और हम गाड़ी में ही 4 दिन सोने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे होटल सिर्फ 2 हैं और दोनों का प्राइस है 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर नाइट, सबसे सस्ते कमरे का, जिसमें वाईफाई भी इंक्लूडेड नहीं है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड नहीं है। तो आज हम घूमेंगे पूरा नारू, मेन अट्रैक्शंस आपको दिखाऊंगा, जो कि मतलब इनकी सरकारी बिल्डिंग्स ही हैं और ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन है नहीं। नारू की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक समय पे दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे अमीर देश होता था सऊदी अरेबिया के बाद, पर अब ये बहुत गरीब देश हो चुका है। मतलब 20-30 साल पहले की कहानी है, जब ये इतना अमीर होता था, फर्स्ट नंबर पे था सऊदी अरेबिया पर कैपिटा में और ये सेकंड नंबर पे था, पर अब ये नीचे से सेकंड थर्ड मतलब 10th 11th नंबर पे होगा, मतलब काफ़ी गरीब हो गया। इनके हालात कैसे बदले, क्या हुआ इनके देश में, वो सब हम बात करेंगे इस पूरी कंट्री घूमते हुए। भाई पहले नारू में काफी सारे होटल होते थे, पर अब ऑपरेशनल जो है वो सिर्फ 2 है। उनमें से एक होटल है ये, जो कि अब पूरी तरह खंडर हो चुका है, मतलब अब कोई भी नहीं है इस होटल में, और देखो इसकी क्या हालत हो गई है। तो भाई आप में से काफी सारे लोग अब जानना चाहते होंगे कि ये कंट्री इतनी अमीर थी और एकदम से इतनी गरीब कैसे हो गई। भाई हम शुरू करते हैं, ज़्यादा हिस्ट्री में हम जाएंगे नहीं, हम शुरू करते हैं सीधा 1906 से। 1906 में एक गोरा बंदा था यहाँ पे, उसको यहाँ पे फॉस्फेट मिला था भाई बहुत सारा, उसको पता चल गया इस आइलैंड पे बहुत सारा फॉस्फेट है, और फॉस्फेट उस टाइम पे ऐसा था जैसे यहाँ पे आज की तारीख में हमारे यहाँ सोना है, इतना कीमती होता था उस टाइम फॉस्फेट, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता था। तो तब तो मतलब लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे, तो मतलब जो सब्जी वगैरह होती थी वही सोने की भाव होती थी। तो उस बंदे ने क्या करा, यहाँ की गवर्नमेंट को भी बताया, जो मतलब यहाँ पे राज कौन करता था उस टाइम, यहाँ पे राज करते थे अंग्रेज, जिन्होंने पूरे दुनिया पे राज किया है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं हुई यहाँ पे। फिर अंग्रेजों के कब्जे में जब ये देश था, अंग्रेजों ने जैसे इंडिया को लूटा वैसे इस देश को लूटना शुरू किया, जितना भी फॉस्फेट इस देश के पास था वो सारा निकालने लगे और ये जाके बाहर बेचने लगे। यहाँ के लोगों को जो फॉस्फेट की कीमत देते थे वो देते थे 5 पैनी पर 1 टन। 5 पैनी का मतलब आज के रेट में हो गया 50 पैसे पर 1000 किलो। उस टाइम पे थोड़ा मतलब ये 50 पैसे की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती होगी, पर यही चीज़ ये जाके बेचते थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 200 गुना ज़्यादा भाव पे। तो इन्होंने ये सब करना शुरू किया कि भाई फॉस्फेट निकालो और बेचो, बहुत फ़ायदा हुआ इन लोगों को। 1964 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली इनको बोला कि हम आपको भाई सिटीजनशिप दे देते अपने देश की, आप मजे करो, आपको जिस भी देश में जाके रहना है रह लेना, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट स्ट्रांग है। पर यहाँ के लोगों ने कहा नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, हमको यहीं पे रहना है अपने देश में और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हमको नहीं चाहिए। तो 1968 में नारू आज़ाद हो जाता है, पर यहाँ पे करप्ट लोग होते हैं, करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, उनको पता होता है यहाँ पे बहुत सारा फॉस्फेट है, वो क्या करते हैं ऐसी ऐसी बड़ी शिपिंग कंपनीज बना देते हैं भाई, क्योंकि इनके जो पोर्ट है ना वहाँ पे शिप लग नहीं सकता, डायरेक्ट नहीं लग सकता शिप, क्योंकि यहाँ पे जो है कोरल रीफ्स हैं बहुत सारी, उसकी वजह से डायरेक्ट कोई बड़ा शिप यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट नहीं हो सकता। तो इन्होंने इतनी लंबी लंबी ये बना दी, शिप दूर कहीं पार्क होता था और इनसे ट्रांसपोर्ट करते थे फॉस्फेट डायरेक्ट शिप में। तो 1968 से 1990-95 तक ये फॉस्फेट निकालते रहते और ये देश इतना अमीर बन जाता है कि इनकी जो GDP पर कैपिटा थी, जो GDP पर कैपिटा थी वो सेकंड नंबर पे थे दुनिया में। मतलब ये नारू का एक बंदा
दूसरे नंबर पे सबसे अमीर था, मतलब पूरी दुनिया में कैलकुलेट करे सऊदी अरेबिया तब नंबर वन पे चलता था अपने तेल की वजह से। पर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, जिसके पास इतना पैसा आ जाता है, पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं भाई, पर उसको सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। नारू के साथ भी यही हुआ, इन्होंने भाई शिपिंग लाइन खोल दी, इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइन चला दी, जो आज इनकी एयरलाइन सिर्फ और सिर्फ 6 देशों में चलती है। 1990 और 2000 के उसमें 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को सर्व करती थी वो एयरलाइन, अब 6 में चलती है। और बीच में तो ऐसा एक समय आया था कि यहाँ से सिर्फ एक फ्लाइट उड़ती थी हफ्ते में, वो भी जाती थी ऑस्ट्रेलिया, और कहीं नहीं जाती थी। अभी तो फिर भी 6 हो गई हैं। इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स खरीद ली ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बहुत पैसा लगा दिया, पर वो सारे इनके पैसे डूब गए। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने खरीद ली बड़ी बड़ी रेस कार, स्पोर्ट्स कार, ये वो सब खरीद लिया। और मतलब आज इनकी हालत देखो आप क्या हो गई है, कि इनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत गलत जगह कर दी। जो हमने कार खरीद देख रखी हमने रेंट पे, ये आपको क्या लगता है अभी आई है? नहीं भाई, ये कम से कम भाई 25 साल पुरानी गाड़ी होगी जो उस टाइम पे खरीदी थी, और आज ये रेंट कर रहे हैं इन गाड़ियों को, ऐसी हालत इनकी हो गई है यहाँ पे। तो जो फॉस्फेट की माइंस भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या था फॉस्फेट का भाई, जो इनका आइलैंड है ना, चारों तरफ एक रिंग रोड है, सारे घर भी वहीं बसे हुए हैं, क्योंकि जो इनका पूरा बीच का आइलैंड है वो इन्होंने खोद खोद के सारा फॉस्फेट निकालने के चक्कर में इनके पास ज़मीन बची ही नहीं, बीच में सारी ज़मीन खोद दी इन्होंने, सब ख़त्म कर दिया अपने देश का, और सिर्फ रिंग रोड के चारों तरफ लोग रह रहे हैं। 2000 के करीब ऑस्ट्रेलिया ने इनको बहुत सारे पैसे दिए। क्यों दिए? जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया आ जाते थे, इराक, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन सबसे इमिग्रेंट्स आ जाते थे, ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, अपने देश में रखने के बजाय उन सारों को शिप में बिठाया और सीधा नारू भेजने लग गए, कि जाओ तुम नारू जाओ। नारू की सरकार को इस चीज़ के लिए पैसे देने लग गए कि तुम इनको मेंटेन करो, इनको खाना पीना दो, जेल में रखो इन लोगों को, और बुरा व्यवहार जैसा करना है वैसा करो, डिटेंशन कैंप बना दिया, यहाँ पे 4 डिटेंशन कैंप है आज की तारीख में भी। तो ये भी करा ऑस्ट्रेलिया ने, तो नारू उससे भी पैसे कमाने लग गया। पर अब इनकी हालत हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, कि आज की तारीख में जो दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे सबसे अमीर देश था, आज कैसी हालत है। तो अब एक काम करते हैं भाई, इस रिंग रोड का चक्कर लगाते हैं जो कि 19 किलोमीटर का है, और मैं आपको साथ साथ फैक्ट्स और बताता रहूंगा चक्कर लगाते लगाते। चलते भाई, आ गया नारू का कॉलेज, नारू कॉलेज के नाम से। भाई हम यहाँ पे हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, यहाँ पे कोई भी मतलब ऑफिशियल पेट्रोल स्टेशन ऐसे नहीं है पूरे नारू में। ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिसको मतलब किराना स्टोर कह सकते हो, ये सारी चाइनीज के द्वारा ओन्ड है, चाइनीज लोगों ने ओन कर रखी है, और इन्हीं का अपना पेट्रोल पंप है। पेट्रोल का यहाँ प्राइस है 2.25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लगभग हो जाता है कुछ 125 रुपए के करीब। तो हमने कल भी पेट्रोल डलवाया था, आज हम 70 का और डलवा रहे हैं, क्योंकि कल पूरे दिन में 50 का लगा था, तो हम अब 70 का डलवा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि मतलब पेट्रोल कोई गवर्नमेंट ओन नहीं करती, मेरे को तो लगता है पेट्रोल पंप वगैरह सारा इन्हीं के द्वारा ओन्ड है, यही अपना इम्पोर्ट करते हैं, यही बेचते हैं। हर गली चौराहे पे आपको ऐसी दुकान मिल जाएगी, हर 300 मीटर पे मान लो ऐसी दुकान, जो डीजी सेल का टॉपअप कर रहे होंगे और पेट्रोल बेच रहे होंगे, और अंदर किराने की दुकान, और ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमको पता चला इस बात से। ये देखो ऐसी ऐसी दुकानों की मैं बात कर रहा था, ये देखो सारी, ये सारी A to Z चाइनीज लोगों के द्वारा ओन्ड है, चाइना से ये सामान इंपोर्ट करते हैं, और करते तो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड से भी इंपोर्ट है, जो चाइना से होता होगा चाइना से इंपोर्ट कर लेते होंगे। देखो एक और आ गई ये री, कुल हम 200 मीटर भी नहीं चले होंगे, और हमको एक बंदे ने बताया कि काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। भाई यहाँ पे अभी 4-5 साल पहले तक ना कोई भी ATM तक नहीं था पूरे देश में, जैसे टुवालू में आज तक भी ATM नहीं है, पर यहाँ पे अब 2 ATM खुल गए हैं। ये दूसरा होटल है ईवा लॉज करके, यहाँ पे मेरे पीछे आप ATM देख सकते हो, ये वाला बैंक है बेडिंगो बैंक करके, और एक ATM है मैलन होटल पे जिस पे हम पहले दिन रुके थे। एक एयरपोर्ट पे भी है, पर वो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, वो बंद है ATM, मतलब वो चालू नहीं है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो लोग लाइन में लगे हैं, ATM चल रहा है, पर मेरे को ये नहीं पता कि फॉरेन कार्ड चलता है नहीं चलता, पर इनके कार्ड तो चल रहे हैं इसलिए लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे एक सुपरमार्केट है, वैसे तो छोटी छोटी वो मैंने आपको दिखाई सारी टपरी वगैरह हैं, पर ये सुपरमार्केट है, ये काफ़ी बड़ी वाली है, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी है। भाई सेम ATM मशीन सुपरमार्केट के अंदर है जो मैंने होटल में है, तीसरी ATM हो गई ये पूरे देश में। ये सुपरमार्केट है भाई, इसमें कोई भी AC नहीं है, पंखे ही लगे हुए हैं। भाई आप देख सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है ये, सब कुछ अवेलेबल है A to Z। वही है, जब लोगों की डिमांड में आता है, पैसा आता है, तो लोग खोल ही देते हैं मार्केट। कितनी बड़ी है देखो, सब कुछ अवेलेबल है A to Z।
जो भी चाहिए आपको। तो भाई आपने देखी, ये थी पीछे सुपरमार्केट, इसके पास इसके साइड में ये ईवा लॉज करके एक होटल, जिसका दिन का किराया $225 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डे दो बंदों का, और जिस होटल में हम रुके थे वहाँ था 195 दो बंदों का पर डे किराया। तो दो ही होटल फंक्शनल है, दोनों का $200 आप किराया मान लो, इतना महंगा चल रहा है यहाँ पे। ये एक तरह से जो ईवा लॉज है ना, ये इनके डाउनटाउन एरिया है, मतलब सबसे ज्यादा पॉश एरिया कह सकते हो, सबसे ज्यादा मतलब वही कह सकते हो। अब सुपरमार्केट इतनी बड़ी पूरे देश में और कहीं नहीं है, बैंकिंग है पूरी यहाँ पे, बैंक भी खोल रखा है देखो इन्होंने, यहाँ पे फिशिंग के लिए सामान, यहाँ पे पूरी दारू बिक्री है, पूरी दारू की दुकान, लिकर शॉप, यहाँ पे कैफे है, मतलब आप बैठ के मतलब बियर वगैरह पी सकते हो। पर ये सबसे बड़ा एरिया है मतलब पूरे नारू में। भाई देखो यहाँ पे कार्ड की मशीन भी यूज़ करते हैं लोग। कौन कह रहा था यार नहीं चल कौन कह रहा था नहीं चलती यार, देखना। ये ले ली हमने आइस कॉफ़ी, यहाँ से $2 की थी ये। और भाई गूगल पे वूगल पे सब यूज़ कर रहे हैं, हमारा वाला गूगल पे नहीं चलेगा ऑफ कोर्स ही बात है, पर कार्ड की मशीन भी है। भाई हम ऐसे देशों में आने से पहले ज़रूर अपनी रिसर्च करके चलते हैं। तो हम जनरली एक देश के बारे में जानने के लिए ज्योग्राफी नाम एक चैनल है उसको देख लेते हैं, वो बंदा मतलब देशों के बारे में वीडियो बनाता रहता है। तो उसने नारू की वीडियो शायद 3-4 साल पहले बनाई थी, और उसने साफ साफ बोला था कि भाई यहाँ पे कोई भी ATM ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई ATM नहीं है, अपने जो भी पैसे हैं अपने लेके आना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हमने फिजी से कन्वर्ट कराए, एक्स्ट्रा पैसे दिए, सब दिए, यहाँ पे आके हमने 3 ATM देख चुके हम, और इस शॉप पे तो कैफे में, और मेरे हिसाब से सुपरमार्केट में भी ये लोग कार्ड से पेमेंट ले रहे थे। और मैंने उस लड़की से पूछा भी कि भाई ये मशीन कब से यूज़ कर रहे हो तुम, कि क्या पता भाई अभी 6 महीने पहले ही आई हो। कह रही कि जब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, तब से मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ, जब से ये शॉप खुली है तब से मैं यूज़ करने लग रही हूँ। तो यार हर चीज़ इंटरनेट पे सही नहीं होती, खुद जो आंखों देखी चीज़ होती है ना वो उस पे ज़्यादा विश्वास की। तो भाई मैंने शिपिंग लाइन पे आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी शिपिंग पोर्ट नहीं है, डॉक नहीं हो सकते, यहाँ पे बड़े शिप आ ही नहीं सकते इस देश में। दो शिपिंग पोर्ट हैं, छोटी छोटी बोट्स के लिए हैं बस। क्यों नहीं आ सकते, मैंने कहा था कोरल रीफ्स हैं। देख कोरल रीफ्स तो हैं ही, पूरे आइलैंड पे ये चेन है पत्थरों की, सीधे सीधे ये पत्थर हैं। अब बताओ कहाँ पे आप शिप पार करोगे, शिप में से ये निकल जाएंगे, शिप को मतलब वो कर देंगे, डैमेज कर देंगे। इसलिए पूरे आइलैंड पे कोई भी बड़ा शिप नहीं आ सकता, इसलिए फॉस्फेट के लिए इतनी लंबी वो बनाई थी कि दूर तक वहाँ तक ट्रांसफर हो सके वो। तो भाई ये एक और होटल है, तो मैंने आपको बताया कि दो ही होटल ऑपरेशनल है। इस होटल का नाम है बुडापेस्ट होटल, अगर गूगल पे करोगे तो आता है, पर हमने इस पर फ़ोन करने की कोशिश करी थी और इन्होंने उठाया नहीं था। अभी आई गया रास्ते में, तो हमने सोचा इनसे पूछ लें कि तुम्हारा होटल ऑपरेशनल है या फिर नहीं। मेरे को तो लग रहा है यार, क्योंकि बिल्कुल नए नवेले इसी से लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है चल रहा वो होटल मस्त। ये आया था भाई बोर्ड बीच में बुडापेस्ट होटल, तो मैंने गाड़ी रोक दी और कोई रिसेप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो भाई आपने देखा, हमने फ़ोन पे बात करी इस लेडी से नंबर लेके, तो बंदा फ़ोन पे बोला कि ये जो अब जगह है ना होटल, ये गवर्नमेंट के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया लोग कपड़े वपड़े सूख रहे थे, तो लोग ही रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे को लग रहा है अब लोगों को एज ए घर, एज ए अपार्टमेंट शायद सरकार ने दे दिया, और ये शायद ना किसी फॉरेन बंदे ने खोला था ये वाला होटल, और वो छोड़ के चला गया इसको, तो तब से बंद होगा। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा रेनोवेट वगैरह करके लोगों को दे दिया ये। भाई ये हम आ गए हैं यहाँ के दूसरे छोर पे, जो नारू आइलैंड है उसके, और यहाँ पे देखो भाई ये कैसी कैसी रॉक्स हैं, और यहाँ पे बिल्कुल घर वर भी नहीं है, उस तरफ काफी घर वगैरह भी थे, यहाँ तो जंगल आ गया देखो पूरा। देखो कैसी रॉक्स है भाई, यहाँ पे कहाँ शिप आ सकता है। ये आ गया होटल मेनन, इसमें हम रुके थे एक रात। ये है दूसरा होटल ईवा लॉज के बाद, जो कि आज की तारीख में फंक्शनल है। इसके भी पता नहीं कैसे डब्बे डब्बे से बना रखे हैं, ये तो नहीं है। और यहीं पे हम रात को कार पार्क में लगा के सोते हैं रोज, तो ऐसा कुछ दिखता है ये होटल मेनन। ये किसी अमीर बंदे ने बनाया होगा जब इनके पास फॉस्फेट के बहुत सारे पैसे आ गए होंगे। रूम्स तो बहुत सारे हैं भाई इसमें, और कह भी रहे थे कि हमारे कमरे ना फुली चलते रहते हैं, पर आज की तारीख में तो ये दोबारा से इन लोगों के लिए बनाना नामुमकिन के बराबर है। और इनको सोलर पावर ताइवान वालों ने दिया है, इन होटल वालों को। ये था भाई मेनन होटल, जो कि इस आइलैंड पे आज की तारीख में दूसरा फंक्शनल होटल है। और एक जब से हम आए हैं तब से यहाँ पे पुलिस की एक ही वैन सी लेके, मोबाइल पुलिस फैसिलिटी लेके, कहीं वो चौकी लगा देते हैं ये लोग, और देखो ये रे, और चेक करते रहते हैं। एक बार रुका है, मेरे को लाइसेंस भी देखा है, इंडियन लाइसेंस दिखाया, कहते ठीक है।
देखो भाई हर दुकान पे पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप, कईयों के बंद हो गए, इसके तो चल रहे थे, ओपन लिखा था इसने भाई। इन्होंने ना रनवे के बीचों बीच सड़क नहीं बनाई जैसे टूवालू ने बनाई है, क्योंकि वहां पे आती हफ्ते में दो फ्लाइट है, यहाँ पे थोड़ी दो से ज्यादा आती है, इसलिए इन्होंने रनवे के बीचों बीच नहीं बनाई, रनवे के बिल्कुल एंड पे जाके सड़क बना दी। मतलब ये रनवे खत्म हो रहा है और ये हम सड़क पे चलने लग रहे हैं, और उस साइड भी दूसरी साइड भी ऐसा ही है, और यहाँ पे वेलकम टू नारू भी लिख रखा है इन पत्थरों पे, वेलकम टू नारू, और आगे सारे जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनके झंडे इन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर रखे हैं। देखो जैसे फिजी, किरीबाती, पपुआ, मार्शल आइलैंड, नारू, सोलोमन आइलैंड, माइक्रोनेशिया, वनुआटू, पलाऊ, सबके झंडे यहाँ थे। नारू की सारी मेन हाईलाइट्स यहीं पे हैं, हाईलाइट्स मतलब इनका पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट बिल्डिंग, साइड में ही रनवे है, और यहाँ पे ही आ गया इनका पार्लियामेंट हाउस नारू का, ये गया पार्लियामेंट हाउस। ये रहा भाई इनका पार्लियामेंट हाउस, ये आ गया भाई इनका फायर स्टेशन। देखो सामने निकलते ही एक और पेट्रोल पंप आ गया भाई। टुवालू में भी 10,000 लोग रहते थे, यहाँ पे भी 10,000 लोग रहते हैं, वहां पे सिर्फ 3 या 4 किरयाने की दुकान थी, यहाँ पे भाई कम से कम 40-50 हैं। वहां पे मुश्किलों से शायद एक पेट्रोल पंप था, वो भी मतलब आपको उसमें बोतल में पेट्रोल देता था, यहाँ पे देखो कितने सारे पेट्रोल पंप है, ये हर किरयाने की दुकान पे पेट्रोल पंप है, या फिर वो बंदा बनाने की सोच रहा है। मतलब वो ये जो सोच रहे हैं बंदे की भाई थोड़ा थोड़ा पैसा करके जहाँ से पैसे, देखो इसके सामने एक और किरयाने की दुकान, वहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, चाइनीज रेस्टोरेंट भी, हाँ रेस्टोरेंट भी यहाँ पे सारे चाइनीज, 30 या 40 है तुवालू में चाइनीज रेस्टोरेंट, इधर 150 है। 30-40 भी कहाँ थे, इतने तो होंगे 5-6 थे, छोटे मोटे भी जोड़ ले, नहीं 15-20 तो होंगे, पर इधर 150 है, ये देखना 10 गुना सीधा भाई। देखो ये जीप की ग्रैंड चिरू की गाड़ी है, और सोचो इसके नीचे से पेड़ उग गए भाई, कितने सालों से गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी और किसी ने मतलब इसको ले जाने की भी नहीं सोची। उसके साइड में भी एक गाड़ी खड़ी है भाई, देखो ये रही कितनी पुरानी है भाई, और उस टाइम लग्जरी मानी जाती होगी। अबे लैंड रोवर है ये, देखो लैंड रोवर, अमीर होंगे जब मंगाई होगी, मेंटेनेंस नहीं कर पाए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, अब ये ऐसे कबाड़ बन के खड़ी हैं, जगह जगह खड़ी हैं इस आइलैंड पे ऐसी गाड़ियां। भाई ये है इनका एयरपोर्ट, ये रोड ये परमानेंट बंद ही रखते हैं ताकि एयरपोर्ट के अंदर कोई आके ना घुस जाए, पूरा घूम के जाना पड़ता है एयरपोर्ट के उस तरफ वाली रोड से जहाँ से बसें चल रही हैं, अगर दूसरी साइड जाना है तो हम स्टार्ट करते हैं भाई नारू में आपको घुमाने से। सबसे पहले हम जगह आए हैं नारू के पोस्ट ऑफिस। इन जैसो देशों में तो भाई मैं हैरान हूँ कि पोस्ट करते भी हैं लोग, क्या करते हैं, पोस्ट जाते कैसे हैं। मेरे हिसाब से तो पोस्ट ऐसे ही जाते हैं भाई कि जो फ्लाइट अभी आएगी वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो जितने भी पोस्ट होंगे इन्होंने लोड कर रखे होंगे, फ्लाइट में बिठाएंगे उन पोस्ट को और भेज देंगे, क्योंकि और कोई इनका चारा नहीं है। शिप वगैरह आते हैं कंटेनर वगैरह के, पर वो 3-4 महीने लगा देते हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने में, और कहीं और पोस्ट जाना होगा फिर और महीने लगेंगे, तो फ्लाइट से ही पोस्ट होते होंगे ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ परमवीर पोस्ट करेगा, पोस्ट अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को करता रहता है ये। मैं एक नवांकुर दोस्त है मेरा, उसको तो मैं तो भाई करता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ये पोस्ट बहुत रेयर है कि पहुंचे, और मैं इतना पैसा स्पेंड करना नहीं चाहता, तो देखते हैं क्या प्राइस है यहाँ पे पोस्ट करने के लिए पोस्ट कार्ड। भाई सैटरडे संडे को तो सब कुछ बंद रहता है, पर आज मंडे हो गया, तो हमारा जो एक दोस्त मिला था हमको टॉमी चाइना से है, उसने 173 कंट्री कर रखी है नारू पोस्ट का, देखो ये रहा ना ऑफिस, तो वो कह रहा भाई मेरे को ना पोस्ट करना है, मेरे को लेके चलो, देखो नारू पोस्ट के लिए यहाँ पे पार्किंग भी रिजर्वड है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। ये है भाई नारू पोस्ट का ऑफिस, और यहाँ पे ये है, ये पोस्ट कार्ड $3 का एक है, $3 ऑस्ट्रेलियन का, इस पे पोस्टिंग फीस अलग है, इंडिया भेजना है तो आपको $1.50 लगेगा, मतलब एक पोस्ट कार्ड भेजने में मोटा मोटा ₹250 लग जाएंगे आपके। भाई ये देखो इन्होंने पूरी बुक दे दी हमको, इसमें स्टैंप आप खुद चूज कर लो, ये 1987 की स्टैंप है 45 सेंट, 30 सेंट, और पुरानी देखते हैं 1985 की 30 सेंट आ गई, 84 की देखो 30 सेंट, ये 3 सेंट भी आ गई देखो 1984 की 5 सेंट, बढ़िया है। देखो ये है तो ऑफिशियल नारू पोस्ट का ऑफिस, पर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ मतलब A to Z, तो किरयाने की दुकान सी भी खोल दी इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पोस्ट तो इतना कोई नहीं करता होगा।
ये था नारू पोस्ट का ऑफिस, इसके साइड में डीजी सेल का ऑफिस। ये पूरे देश में एक ही मात्र ऑफिशियल स्टोर है डीजी सेल का, जहां से आप सिम कार्ड परचेज कर सकते हो ऑफिशियल रेट पे। वैसे तो हमारा होटल बेच रहा था $20 का, यहाँ पे शायद $10 में सिम कार्ड मिलते जहां तक हमने सुना है। यहाँ पे सिम कार्ड मिलते $10 की। और ये देखो आप, ये तो ब्रॉडबैंड का है, प्रीपेड डिजिटल डाटा बंडल, 1 GB $16 का भाई, 3.6 47 का, हद नहीं हो भाई, 2500 रुपये में 3.5 GB। भाई ये था डीजी सेल का ऑफिस, हमने $10 का रिचार्ज करा लिया। यहाँ पे एक ऑफर चलता है, आपको $5 में ₹270 में 1 GB मिलेगा, जिसमें 500 MB आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 500 MB फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब यूज़ कर सकते हो। तो हम धीरे धीरे करके वही रिचार्ज कराते रहते हैं कि कम से कम यूज़ करें, वरना तो यहाँ पे अगर आप किसी को फ़ोन करते हो ना तो 1 मिनट बात करने के ₹20 कटते हैं, 1 मिनट बात करने के ₹20, तो आपने रेट में देखा ही होगा। इससे महंगा इंटरनेट भाई कहीं नहीं देखा हमने, ₹2500 में 3.5 GB। अब आ गए हैं भाई हम नारू के एक लौते हॉस्पिटल में, वो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग, देखो सिंगल स्टोरी है। यहाँ पे शायद होटल ही मैंने डबल स्टोरी देखे हैं, और तो कुछ भी डबल स्टोरी तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्टोरी बना रखी है सब लोगों ने। और हॉस्पिटल की कहानी बताऊँ तो भाई, मैं कल जब नारू लैंड हुए ना, तो मेरा खाना खाने के बाद मेरा पूरा गला ख़राब हो गया, मेरे को बुखार भी हो गया, मतलब ऐसे जैसे सर्दी लग रही होती है ना बुखार में, वैसा हो गया, शिवरिंग हो रही थी मेरे को। तो भाई मेरे दिमाग में पता है क्या आया कि हमारी फ़्लाइट तो है 5 दिन बाद, वो भी ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल की इतनी फैसिलिटी है नहीं, और उसके बाद भी हम ऐसे देश जाएंगे उसमें भी नहीं है कुछ भी। 19 तारीख को मैं कहीं US पहुँचता, 8 दिन बाद मैं US पहुँचता, और मतलब US में भी कहाँ इलाज कराता, मैं इंडिया ही आता। तो मेरे दिमाग में फिर आया भाई अब मैं क्या करूँ अगर मैं बीमार हो गया, आप पे कुछ ऐसी बीमारी हो गई या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप पे आपका इलाज ही नहीं हो पाएगा, और फ्लाइट्स हैं यहाँ पे दो दो तीन तीन हफ्ते हफ्ते बाद। तो ये बंदा जा रहा था, इसने बता रखी थी मैं ब्रिस्बेन जा रहा हूँ मंडे को, तो मैंने बस यही सोचा था फिर तो कि भाई अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना, फिर तो भाई मैं नकली वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का बनाऊंगा किसी का एडिट वेडिट करके, और उस फ्लाइट में बैठ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से वेरीफाई नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया मेरे को जाके पकड़ लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उनसे बस सीधा कह दूंगा मैंने फेक वीज़ा पे आया हूँ, मैं मेरे को सीधा इंडिया भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को एयरपोर्ट से मत निकलने दो। ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डेवलप्ड देश है, ऐसे किसी भी देश में आप जाके कहोगे ना तो आपको आपके देश भेज देंगे अगर आप पासपोर्ट आप दिखाओगे तो। और मैं तो खुद भी अपनी मतलब टिकट करा सकता था, तो मेरे दिमाग में इतना मतलब प्रेशर सा आ गया था। यहाँ पे हॉस्पिटल तो है, पर आप इस हॉस्पिटल की हालत देख के देख सकते हो कि क्या इलाज कर पाएंगे लोग, कुछ भी नहीं। फिजी में होता मैं फिर भी सोच सकता था कि भाई हाँ कुछ हो जाएगा मेरा इलाज, पर यहाँ पे तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं लग रही, देखना कैसा सा है, इसे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता होगा। ये भी देखो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा एडिड है ये हॉस्पिटल। भाई ये मेरी 105th कंट्री है, और मैं इतने देश घूम चुका, मेरे को आज तक भी कभी मतलब भगवान की दुआ से आज तक मेरे को कभी मतलब बीमार नहीं हुआ मैं किसी भी कंट्री में, ज़्यादा मतलब मेजर वाला, थोड़ा बहुत मतलब दस्त वगैरह इधर उधर तो लग ही जाते हैं भाई, थोड़ा सा बुखार हो गया, पर मेरी कभी मेरी फटी नहीं कि भाई मैं क्या करूँगा। पर यहाँ पे मेरी इतनी फटी ना भाई और टुवालू में कि भाई अगर मैं बीमार हो गया ना तो मैं अपने देश वापस जाने के लिए भी मेरे को मतलब 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, यहाँ से पहले फिजी जाओ या फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया की 12-15 घंटे की फ्लाइट है। तो भाई बड़ा यहाँ पे बहुत सावधानी से रहना भाई, एक्सीडेंट वगैरह तो बिल्कुल करवा मत लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कोई सर्जरी वर्जरी होती होगी, छोटे मोटे सर्जन होंगे ऐसी बात नहीं, 1-2 तो होंगे ही, पर मेजर सर्जरी कुछ भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे, हो फिजी में भी नहीं हो पाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा फिर उस चीज़ के लिए। तो मेरी बहुत फट गई थी भाई परसों, वो परमवीर थोड़ी गोली वोली लेके आया हुआ था इंडिया से, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल वगैरह, तो वो खा ली थी थोड़ी बहुत, तो उससे थोड़ा ठीक हो गया था मैं, अभी तो ठीक हूँ। तो बस यही सोचा था मैंने, और अगर आपको मतलब इमरजेंसी हो जाए ना, ऐसे देश में फंस जाओ, तो भाई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की फेक कॉपी बना के अब ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाओ, ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल देंगे ये कर देंगे, भाई आपकी जान से बढ़ के थोड़ी ना है, कोई मरे हुए बंदे को थोड़ी ना कोई जेल में डालेगा, आपको हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। भाई RON लिखा है, रिपब्लिक ऑफ नारू हॉस्पिटल, ये इनकी ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो IPD होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो भर्ती हो रखे होते हैं, या आउट पेशेंट मतलब कोई भी आ सकता है। इंडिया में जनरली होता है कि 2 घंटे सुबह खुलती है ओपीडी, कोई भी आके दिखा सकता है। तो यहाँ पे ओपीडी में भी लिखा है ओनली 5 पेशेंट एक समय में,
कोई इनका इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी इधर उधर होगा ही, पर ये मतलब ऐसे हैं कंटेनर से हैं, मतलब लोहे के कंटेनर हैं और उसको एज ए हॉस्पिटल बनाया, कोई ब्रिक से भी मतलब बना नहीं रखा इन्होंने हॉस्पिटल। तो ये पक्का भाई दूसरे देशों के सपोर्ट से ही बनाया है, वरना ये तो अभी कहीं लेटेस्ट ही लग रहा है बना हुआ, ज़्यादा पुराना भी नहीं। ये एक एम्बुलेंस ही खड़ी है, और ऐसी एम्बुलेंस इंडिया में नहीं होती है, इंडिया में तो वैन टाइप होती हैं, मतलब लोकल वाली कहूँ तो, अच्छी वाली भी आ गई है इंडिया में, पर ये ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका से आई हो। है भाई नारू का सिविक सेंटर, और यहीं पे था सारा पोस्ट ऑफिस, डीजीसीएल का सारा, मतलब एक शॉपिंग मॉल टाइप कह सकते हो। ये नारू का फ्लैग है, साइड में लगा दूंगा, ये तो नहीं है मतलब इस जैसा ही है, ये इन्होंने बड़ा उसमें बना रखा है, तो यही नारू का फ्लैग है। भाई को यहाँ पे फोटो खिंचवानी थी अपनी टूर एजेंसी के साथ चाइना की, तो ये हम आ गए यहाँ पे सिविक सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम, और यहाँ पे इनका ये नेशनल एम्बलम, जैसे हमारे भाई चार शेर हैं नेशनल एम्बलम में, इनका ये नेशनल एम्बलम है, वीज़ा पे भी चिपकाते हैं ये, गॉड्स विल फर्स्ट। और ये नाउरू की ना NAURU स्पेलिंग नहीं होती, ये अपनी उसमें ऐसे लिखते हैं NAOERO, नाउरो कुछ ऐसा लिखते हैं ये लोग। चलो आ जाओ चलते हैं भाई, वो रहा एयरपोर्ट, इस बंदे को वहीं छोड़ना है हमको। और ये नारू म्यूजियम आए तो थे, पर शायद यार इस बंदे की किस्मत खराब है अपने टॉमी भाई की, कि नारू म्यूजियम बंद है, बैड लक। या लेट्स गो, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। या तो भाई को अपना ड्रोन भी लेना था, तो इसको जल्दी छोड़ देते हैं, कोई नहीं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नए दिन में। कल मैंने आपको दिखाया था नारू आइलैंड की जो रिंग रोड है, चारों तरफ जो चलती है, अंदर से पूरी कंट्री खोखली है, क्योंकि फॉस्फेट डिपॉजिट थे, इन्होंने सारी खुदाई करी, पूरी कंट्री में अंदर कुछ भी नहीं रहा, पर अंदर फिर भी रोड्स हैं, ऐसी रोड नहीं है पक्की, कच्ची रोड है। और नारू के डिटेंशन कैंप्स है, मतलब जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वालों ने इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ भेज दिया था डिटेन करने के लिए, कैंप्स है वहाँ, कैंप से वीडियो बनानी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, दूर से भी आप वीडियो नहीं बना सकते, पर हम ट्राई करेंगे कुछ दिखाने की। और अंदर नारू के जो है, इस रोड के अंदर क्या बचा है इस देश में, कुछ बचा भी है या फिर नहीं बचा है, अब चलते हैं हम इस देश के अंदर वाले पार्ट में। भाई ये हम जा रहे हैं मेन रोड से अब इंटरनल नारू की तरफ, और यहाँ पे मुड़ते ही हमको क्या दिखता है, ये अबेंडेंड फैक्ट्री, ये पक्का फॉस्फेट प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री हो गई है, और अब बिल्कुल जंग लग चुका है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे भाई इतने सदियों से बंद पड़ी है, देखो फैक्ट्री ये वाली। भाई ये रही ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी, ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा रहा, और छोटा सा जैसे वो हॉस्पिटल था ना, एक डब्बे में एम्बेसी इन्होंने बना रखी है, ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा हमको, कहीं ये जासूस ना घोषित कर दें कि पूरे दिन गाड़ी में रहते हैं, जासूस हैं ये लोग। देखो ये रही, ये एम्बेसी है भाई इनकी पूरी। भाई देखो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ पूरे देश में पड़ी हुई हैं, जिनमें कुछ भी नहीं बचा, अबेंडन करके चले गए हैं लोग, बस नंबर प्लेट भी लगी पड़ी है, पहले खरीदी होगी इन लोगों ने जब पैसे होते होंगे, और देखो कितने सालों से यहाँ पड़ी है। ये आ गया भाई इनके देश का एकमात्र पानी का सोर्स, बुआडा लगून करके, और यहाँ पे भी इन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया। अब हम किस तरफ चले, चलो इस लगून का चक्कर मारते हैं एक। ये देखो भाई ये सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कितने सालों से पड़ी हैं, कुछ नहीं बचा इनमें, लोहा तक निकाल रहे लोग इसका, क्योंकि रिसाइकिल करने की फैसिलिटी नहीं है इनके पास। ये देखो भाई हम नारू के अंदर आते ही इन्होंने ऐसी खुदाई कर रखी है, देखो टीले टीले से बन गए सारी जगह, पूरे आइलैंड पे ऐसी टीले बने हुए हैं, देखो इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ मैं आपको और अच्छी तरह दिखा सकता हूँ शायद, ये देखो ऐसे खोदा इन्होंने अपने पूरे देश को, और अब ये बचा है, इसमें ना आप फार्मिंग कर सकते ना कुछ कर सकते, ऐसे खोदा इन लोगों ने, देखो ऐसा लग रहा है कि नेचुरल मेड है, पर नहीं नेचुरल मेड नहीं है ये, इन्होंने ऐसे खोद खोद के फॉस्फेट निकाला है पूरा दूर, तो मतलब पूरे आइलैंड के बीचों बीच में से, इसके बीचों बीच फसल वगैरह तो उग नहीं सकती, तो इन्होंने ना काफी सारे ये लगा रखे हैं सोलर पावर के फार्म पूरे, ये दूसरा फार्म है जो भी आया रास्ते में। तो भाई ये मैंने होटल के पास एक रेस्टोरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे आगे था बे रेस्टोरेंट, इसके रिव्यू सबसे बेस्ट है, सबने यही रिकमेंड किया हमको, तो आज थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, बहुत पैक्ड फूड खा लिया, भूख बहुत तेज लगी है भाई मेरे को। तो भाई ये आ गया हमारा पिज्ज़ा, लार्ज चिकन बारबेक्यू, $20 का ये।
तो भाई इस खूबसूरत से बीच से नज़ारे से इस वीडियो को करते हैं एंड हम, और अब आपको इसके बाद देखने को मिलेगी कि हमने 3 दिन कार में कैसे बिताए और नारू से हम आगे कहाँ जाएंगे, वो वाली वीडियोस। नारू में एक चीज़ और बतानी भूल गया, यहाँ पे बहुत सारे बास्केटबॉल कोर्ट है भाई, ये कम से कम भाई 10वां या 12वां बास्केटबॉल कोर्ट होगा मैंने जो देखा है, पर ऑपरेशनल बहुत कम है, काफ़ी सारे तो अबेंडन हो चुके हैं, टूट चुके हैं, किसी में नेट नहीं है, किसी की ज़मीन टूटी हुई है, क्योंकि अब पैसे हैं नहीं इनके पास इतने मेंटेन करने के लिए, तो इन्होंने अबेंडन करके छोड़ दिए। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।